वरिषा अब अपनी अना के ऊपर बात आई है कि वहाज उससे इस तरीके से बात कर कर गया है, उसको उसकी औकात गया है, जबकि वह वहाज बिल्कुल ठीक बात कर रहा था। ये सब कुछ जो कर रही है वो एक गुड़िया की तरह कर रही है जो उससे उसका स्टेप फादर करवा रहा है। अब भी वो उसको तसल्ली देता है और कहता है कि उस ऑफिस में अपनी हुकूमत जमाओ। और वैसे ही वरिषा, जिसके दिमाग में स्टार्ट से ऐसी चीज़ डाली गई है कि इसके अपने इसके दुश्मन है जबकि अपने दुश्मन नहीं है, यहाँ तक कि वहाज की माँ भी बहुत अच्छी है, इसके साथ बहुत करती है, और शफा का तो हमने देखा भी कि वो बहुत बड़े दिल की है। महक ने सिर्फ उसी वरिषा की तरबियत गलत की।